तो भाई बहुत खुशी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गंदी विकेटें बना के ड्रॉ करने के लिए खेला और खुद ही उसी गड्ढे में फंस गए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शतरंज यूट्यूब चैनल। रिजल्ट आपने देख लिया होगा पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया का, जो इंतहाई ही मायूस कुन सीरीज कराएगी, बहुत ही जिसे कहते हैं बकवास सीरीज कराएगी है, और इतनी तारीखी सीरीज जिसको इस वजह से कराया गया था कि इसको आपने ड्रॉ करना है, ये माइंड सेट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और प्रॉब्ली पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का कि हमने ये ड्रॉ करी सीरीज खेलनी है और ना वो जीते ना हम जीते, बस ड्रॉ हो जाए। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियंस, मज़ा आया ऑस्ट्रेलियंस को देख के, ये दिल खुश हुआ मेरा कि ना उनकी जगह ना ये वो बच्चे पाकिस्तान कभी आए ना कभी खेले, और 24 साल पहले टूर रहा था, 24 साल पहले पैट कमिंस मेरे ख्याल अब 4-5 साल के भी नहीं होंगे, सो वो यहाँ पे आते हैं दिलेरी के साथ क्रिकेट खेलते हैं, ना उनको रिवर्स स्विंग का पता, इन कंडीशन में रिवर्स स्विंग कर सकते हैं लेकिन इन कंडीशन में रिवर्स स्विंग कैसे करनी, कहाँ से करनी है, किस लेंथ से करनी है, कब करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारा आगे उन्होंने एक दो टेस्ट मैचेस के अंदर मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस सीखा। नेथन लाइन जो कभी पाकिस्तान का टूर नहीं जिन्होंने किया शायद इंटरनेशनल लेवल पर, यहाँ पर वो भी 5 विकेट लेने में कामयाब हुए, स्पिनर उनका अच्छा था। लेकिन दिलेरी देखें ऑस्ट्रेलियन टीम की, पहले आते हैं माइंड सेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द टीम। देखिए जब आप बुजदिली के साथ खेलते हैं और बचने के लिए खेलते हैं तो फिर रिजल्ट इस किस्म के होते हैं। वो 24 साल बाद आपके मेहमान बन के आए थे, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको आप उनकी खातरदारी करेंगे अच्छी विकेटें बना के, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया, आपने उनको थकाने की कोशिश की और ये कहा कि हम थका रहे हैं उनको। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम थका रहे हैं उनको, अच्छा थके वो आपको थका के निकल गए, अभी उनका फ्रेश स्क्वाड भी उतर आया वनडे का। सो गलत अप्रोच, गलत माइंडसेट और गलत बातें और गलत सोच। इट्स रियली रियली हाई टाइम इन पाकिस्तान फॉर अथॉरिटीज टू थिंक अबाउट कि ऐसे बंदे लाए जाएं जो मीडियोकर ना हों, जो आपके लिए अच्छे फैसले कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अच्छे फैसले नहीं होते और ये वन ऑफ देम था। और मुझे अफसोस हुआ देख के कि पाकिस्तान कुड हैव वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्रिलियंट सीरीज और हार गया पाकिस्तान। पाकिस्तान अच्छी फाइट बैक की, लेकिन दिलेरी देखें ऑस्ट्रेलियन टीम की और पैट कमिंस की, वाह क्या बात है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने फास्ट बॉलर को तान बनाया और उनको ये दिखाया दुनिया में कि फास्ट बॉलर का जो एटीट्यूड होता है वो दुनिया का किसी का भी एटीट्यूड नहीं हो सकता। पैट कमिंस इतना दिलेर आदमी है, छोटा टोटल दिया उसने कहा कि ये नहीं कर सकते और मैं इनको रन थ्रू कर जाऊँगा। हैट्स ऑफ टू यू पैट कमिंस, क्या बॉलर हैं आप, क्या कप्तान है आप। ये होता है फ़र्क जब आप फास्ट बॉलर को कप्तान बनाते हो, वो दिलेरी से फैसले करता है, और अगर फास्ट बॉलर समझदार हो ये नहीं कि फैसले, फिर वो वर्कलोड बर्दाश्त करते हैं। वर्कलोड लिया ना पैट कमिंस ने, आज नेथन लाइन ने लिया ना पैट। तो दिलेरी एक चीज़ फैसला करना, दो चीज़ उसका होमवर्क करना, तीन चीज़ और फिर उसका हार्डवर्क पुटिंग इन टू इट, ये चार चीज़ें हैं। जब तक ये नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, हार्डवर्क नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी, आप कभी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकते। सो मैं बहुत खुशी हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए और मुझे बहुत बुरा लग रहा है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गंदी विकेटें बना के ड्रॉ करने के लिए खेला और खुद ही उसी गड्ढे में फंस गए जहाँ पे उनको नहीं फंसना चाहिए था। होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल रियलाइज विकेटें यहाँ पर बेहतर बनाएं, रन हो यहाँ पर और बॉल कैरी करें, ना घास डालो भाई, फ्लैट बना दो लेकिन सख्त बनाओ, बॉल कैरी तो करें ना यार। बट वेरी वेरी सैड टू सी दैट पाकिस्तान प्लेड वेरी पुअरली, और क्या बात है ऑस्ट्रेलिया की बहुत दिलेरी के साथ खेले हैं, ना कभी पाकिस्तान आए, ना कभी उन्होंने कुछ किया, ना यहाँ देखा जब, और क्या कमाल की परफॉर्मेंसेस देख के वो निकल गए। वेल डन ऑस्ट्रेलिया, गुड जॉब। एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन, दैट्स फॉर श्योर।